बलधा सरैया पर गांव के एक पीड़ित महिला ने अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर डीएसपी को दी आवेदन। केस उठाने के लिए मिल रही है धमकी। नरनौसा थाना क्षेत्र के बलधा सरैया पर गांव निवासी शैलेंद्र प्रसाद की पत्नी रेखा कुमारी के द्वारा डीएसपी कार्यालय में पहुंचकर डीएसपी को एक आवेदन देने का काम किया, जिसमें बताई है कि बीते 22 जून को जब घर पर वह बैठी थी, इस दौरान उसके पति काम करके घर लौटे। इस मौके पर पड़ोसी सुबोध कुमार एवं सुलेखा देवी के द्वारा मारपीट किया गया। इस मामले को लेकर नरनौसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब अभियुक्त के द्वारा केस उठाने को लेकर लगातार धमकियां मिल रहा। अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर वह डीएसपी को न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पति गए थे काम करने के लिए, काम करके आ रहे थे शाम को 6-7 बजे लगभग में। उस बीच में ने मारपीट करने लगा कुनाठी पर लुक करके। सुबोध कुमार और सुलेखा देवी दोनों मेरा एक देवर हैं एक सास हैं, दोनों मारपीट करने लगे कुनाठी पर खड़ा होकर के लुक कल थे। उधर से जब मेरे पति आने लगे तब उन्हें खंती चला दिए, एक लोहा के खंती ले लेते थे, 3 फीट का खंती था, उससे मारने स्टार्ट कर दिए। मेरे पति एक खंती में न गिर गए तो उन्हें कंधे गर्दानी पर खंती धर कर और काटने का जान से मारने का हमला किए। तो मेरे पति ने चिल्लाने लगा, खंती ने ठेल दिया तो गोड़ काट दिए और चूर दिए उसका माँ मेरे पैर पति को। एक हथौड़ा ले लेते छोटे वाला था, उससे उसका माँ ने मार रहे थे, दोनों मिलके मारे। वहाँ पर आए गांव वालों ने कि जब आए वहाँ भीड़ लगाएं तो दोनों माँ बेटा भाग गए। हम लोग जब दौड़े माँ बेटा भाग गए सब भाग करके, और उसके बाद में फिर ने गांव वालों ने फ़ोन किया है थी पुलिस के पास। 112 वाला गाड़ी आया, उन्हें उठाकर ले गया, ले जाकर नगरनौसा अस्पताल में भर्ती किए। वहाँ भर्ती करके थाने वाले ने चले गए फोटो ले करके, और कोई लिखवाई नहीं किया लिख पड़े। फिर ने मैंने जब सब बोला कि केस नहीं किया तो मैंने थाना गए तो बोले सर को, सर ने डांट कर मुझे भगा दिया, डांट दबार करके। गिरफ्तारी को लेकर आ गया है। हाँ केस हो ना जी किए थे, लेकिन केस को हल्का कर दिए हैं, शाम को केस नहीं लिए। फिर बोले एप्लीकेशन लिख के दो। मैंने बोला एप्लीकेशन मुझे नहीं लिखना आता, मैं बताती हूँ आप लिख दो। तो मुंशी जी ने लिखा है